वीवो आईपीएल 2021 में वक्त है संडे धमाल के पहले मैच का, जहां चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लड़ेंगे मैन इन गोल्डन पर्पल यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोनों ही टीम्स यूएई में मुंबई और बेंगलुरु का शिकार कर चुकी हैं और बेहद उम्दा फॉर्म में नजर आ रही हैं। तो भाई लोग क्रिकेट लाइन गुरु के प्री मैच एनालिसिस के साथ हो जाइए तैयार एक और बड़े धाकड़ मुकाबले के लिए, जहां अपकमिंग 38 मैच में धोनी के धुरंधरों को मिलेगी नारायण और चक्रवर्ती की चुनौती, तो वहीं कोलकाता की यंग ब्रिगेड का इम्तिहान लेगी ड्वेन ब्रावो और दीपक चाहर की जोड़ी। अब इस सीजन के पहले मैच में चेन्नई ने कोलकाता के अगेंस्ट 220 रन का टारगेट सेट किया था और 18 रनों से मैच जीती थी, और इसी के साथ टोटल दोनों टीम्स के बीच अब 26 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 बार झंडे गाड़े हैं तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स महज 9 बार मैच अपने नाम कर पाई है। फर्स्ट बैटिंग करने के लिहाज से अगर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 मैचेस जीते हैं तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने महज 1 मैच अपने नाम किया है। तो क्या इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में मॉर्गन एंड कंपनी चेन्नई पर भी लगा पाएगी हार का ठप्पा, या एक बार फिर चेन्नई के किंग्स करेंगे रोर? आइए दोनों टीम्स को एनालाइज करके फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। भाई आईपीएल 2021 में सीएसके एक बार फिर अपने विंटेज अंदाज में दिख रही है विद 7 विंस फ्रॉम 9 मैचेस। लास्ट ईयर टीम अपनी खराब बल्लेबाजी के चलते क्वालिफायर तक पहुंच नहीं पाई थी, बट दे हैड अ ग्रेट स्टार्ट दिस टाइम। अपने फर्स्ट मैच में बैटिंग लाइनअप के कोलैप्स होने के बावजूद चेन्नई ने मुंबई को हराया था। ऋतुराज गायकवाड काफी एग्रेसिवली बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट मैच में फाफ डुप्लेसी ने भी अपनी फॉर्म दिखाई थी। मोइन अली और अंबाती रायडू भी लास्ट मैच में रन स्कोर करते दिखे थे, बट सुरेश रैना किस हद तक कंट्रीब्यूट कर पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लास्ट मैच में हाथ तो इन्होंने भी खोले थे। लोअर ऑर्डर में रविंद्र जडेजा और ड्वेन ब्रावो एज अ फिनिशर अच्छा काम कर सकते हैं, जहां दोनों ही राइट नाउ अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, बीट बॉलिंग और बैटिंग। केकेआर के स्पिन अटैक के अगेंस्ट टीम के टॉप ऑर्डर को संभल कर खेलना होगा, और एल्स एक और लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को यहां पर मिल सकता है। अब रही बात बॉलिंग अटैक की, तो कोहली और पडिकल ने चेन्नई पर अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप किया था, और जिस अंदाज में कोलकाता बैटिंग कर रही है दिस माइट बी चैलेंजिंग एज वेल। बट अबू धाबी की पिच पर पेसर्स का बोलबाला रहा है, और ऐसे में दीपक चाहर और जॉश हेजलवुड आपके की प्लेयर्स की लिस्ट में जरूर होने चाहिए, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर देन डीजे ब्रावो को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखें तो टीम काफी सेट नजर आ रही है, बस थोड़ा सा अगर कहीं डाउट है तो वो इनकी मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी में, जो कि फर्स्ट मैच में कोलैप्स हुआ था, बट स्टिल ऑन पेपर टीम काफी बैलेंस्ड और सॉर्टेड नजर आ रही है। वेल गाइस ये तो हुई बात सीएसके की, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों इस सेकंड हाफ से पहले ही केकेआर के कोच और टी20 फॉर्मेट में अपने टाइम के धाकड़ बल्लेबाज ब्रेंडन मैकालम ने कहा था दैट प्लेयर्स विल प्ले लाइक दे हैव नथिंग टू लूज, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिल रहा है। टीम फ्रंट फुट पर खेल रही है और तेज तर्रार गेंदबाजी के दम पर बैक टू बैक दो मैचेस जीत चुकी है। यहाँ एक और जीत इन्हें पॉइंट्स टेबल पर थर्ड पोजीशन पे लाकर खड़ा कर सकती है। आईपीएल के महज 2 मैचेस खेलकर सुर्खियां बटोरने वाले वेंकटेश अय्यर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं और एक हाफ सेंचुरी भी जड़ चुके हैं, बट वेंकटेश को अभी काफी परीक्षाएं देने की जरूरत है। दूसरी ओर इनके जोड़ीदार शुभमन गिल भी हाथ खोल रहे हैं और रन्स बटोर रहे हैं, तो केकेआर को एक मजबूत शुरुआत तो डेफिनेटली मिल रही है। अब लास्ट मैच में राहुल त्रिपाठी के बल्ले से काफी समय के बाद एक बड़ी इनिंग्स देखने को मिली थी, सो केकेआर की टॉप 3 काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन मसला खड़ा होता है इसके बाद। नीतीश राणा और ऑयन मॉर्गन दोनों की फॉर्म काफी अनप्रिडिक्टेबल है, जो अभी तक कन्विंसिंग पारियां खेलते नहीं दिखे हैं, प्लस दिनेश कार्तिक का बल्ला भी शांत रहा है। तो दोस्तों ये जो 3 पोजीशंस है यहां पर कोलकाता का एक छोटा सा वीक पॉइंट नजर आता है। टीम के पास एक्स फैक्टर है आंद्रे रसल, जो अब बल्ले से ना सही तो बॉल से हाहाकार मचा रहे हैं, बट डिसअपॉइंटिंग है कि रसल को टॉप पोजीशन पर रखा नहीं जा रहा है। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग रसल को किस पोजीशन पर आना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब केकेआर का स्ट्रॉन्ग एरिया देखा जाए तो वो है इनकी गेंदबाजी। ट्रैक को देखते हुए लॉकी फर्ग्यूसन काफी कारगर साबित हो सकते हैं, प्लस सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों ही इन कंडीशंस को अडैप्ट कर चुके हैं, तो दोस्तों ये तीनों ही आपकी नजरों में जरूर रहने चाहिए।
प्लस यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने में तो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बट एज एन ऑप्शन केकेआर के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अब आइए फटाफट से पिच रिपोर्ट पर भी गौर फरमा लेते हैं। दोस्तों, शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा, जहां यूएई में हाल फिलहाल दो मैचेस खेले गए हैं और दोनों ही मैचेस कोलकाता ने अपने नाम करे हैं। तो दोस्तों, कैप्टन्स ने एक बार पहले बैटिंग करना चूज किया था और दूसरी बार बॉलिंग चूज की थी, तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि बॉलिंग चूज करने वाली टीम ही यहां पर सक्सेसफुल रहेगी। रही बात बैटर्स के परफॉर्मेंस की, तो स्कोर अबव 30 एक बल्लेबाज ने बनाया है, स्कोर अबव 40 दो बल्लेबाजों ने बनाया है और 3 हाफ सेंचुरीज अभी तक यहां पर लगाई जा चुकी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बॉलर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो टोटल 18 विकेट यहां पर लिए गए हैं, जहां पेसर्स की झोली में गिरे हैं 13 विकेट और स्पिनर्स ने 5 विकेट अपने नाम करे हैं। तो दोस्तों, यहां बॉलर्स और बैटर्स दोनों को डिसेंट अमाउंट ऑफ फेवर मिलता है फ्रॉम ट्रैक, बट एज यूजुअल 150 के अराउंड का स्कोर यहां पर एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। Now moving on to the predicted playing 11, दोस्तों यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स एज यूजुअल बहुत ही कम अपने चेंजेस करती है, टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, सो वी एक्सपेक्ट कि वो अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, जिसमें होंगे फाफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर और जॉश हेजलवुड। ऑन दी अदर हैंड, कोलकाता नाइट राइडर्स भी दो मैचेस जीती है और किसी भी प्लेयर को फिटनेस इशू नहीं है, तो इस लिहाज से वो भी अपने सेम प्लेइंग 11 उतार सकती है, जिसमें होंगे शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, नीतीश राणा, ऑयन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंड्रे रसल, सुनील नारायण, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण चक्रवर्ती और प्रसिद्ध कृष्णा। इसी के साथ भाई लोग, अगर हम बात करें फैंटेसी 11 की, यानी कि हमारी ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन की, तो जो बेस्ट प्लेइंग कॉम्बिनेशन बनता है उसमें यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग आ सकते हैं MS धोनी, फाफ डुप्लेसी, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋतुराज गायकवाड़, सुनील नारायण, आंड्रे रसल, मोइन अली, दीपक चाहर, लॉकी फर्ग्यूसन और वरुण चक्रवर्ती। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इस टीम में और कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं, किस प्लेयर को आप इंक्लूड करना चाहेंगे, जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन की ओर। तो डेफिनेटली CSK हैज द मोमेंटम और वो KKR के ऊपर अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं फर्स्ट हाफ में, बट राइट नाउ कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो इस कंडीशंस में ऑलरेडी दो मैचेस खेल चुके हैं, तो यहां पर इनका प्लस पॉइंट बनता है। बैटिंग लाइनअप की जहां तक बात है, तो वेंकटेश अय्यर के आने से टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है इन द टॉप ऑर्डर और जिस हिसाब से एग्रेसिव गेम चल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का, प्लस आंड्रे रसल के टीम में होने से ये मैच डेफिनेटली कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर जा सकता है एंड दे आर द परफेक्ट कैंडिडेट टू विन दिस मैच। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग क्या चेन्नई सुपर किंग्स इस बार जीत की लगाएगी हैट्रिक? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक और अपडेट के साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और क्रिकेट लाइन गुरु की सारी नोटिफिकेशंस पाते रहें।